देखते हैं। गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? सुबह के बज रहे हैं 6। 6 बज गया है? 6 बज गए। 5:30 बजे उठी हूँ मैं। तो गाइस 5:30 बजे उठी हैं। 5:30 बजे उठ के हमारे कुछ लोग के हम बोलते हैं काबुली चना, और कुछ लोग के हम बोलते हैं सफ़ेद चना, तो हम दिल्ली में बोलते हैं छोले चना। तो आज हम काबुली चने का छोला बना रहे हैं और चावल की पूड़ी, चावल के नहीं मतलब चावल के आटे का पूड़ी तो स्पेशल बन रहा है। और कैसे बन रहा है आप लोग को पूरा सीन दिखाएंगे और बताएंगे। बाहर का सीन दिखा देंगे, बाहर का सीन आपको दिखाते हैं। बिल्कुल अंधेरा है, बारिश वाला मौसम है, इस तरह का है कुछ मौसम बाहर का। दो कबूतर हैं, खेल रहे हैं चार। बारिश होने वाला है या नहीं होगा अभी। तो गाइस गुड़िया बना रही हैं। इसमें हमने वो पेस्ट किया है, इसमें इन्होंने पेस्ट बना दिया। क्या क्या डाला इसमें? इसमें लहसुन, मिर्चा, जीरा मिर्च और अदरक, नहीं अदरक नहीं, टमाटर। टमाटर, लहसुन, मिर्चा, टमाटर, जीरा मिर्च, इन्होंने डाल दिया इसमें छोला मसाला। ये सब पेस्ट इन्होंने रख लिया है। अभी छोला मेरा रात को भेज दिया था काबुली चना को, और अभी थोड़ा उबाल लिए हैं ना, 2 सीटी उबाल दिए वो सोडा डाल के, सोडा डाल के 2 सीटी उबाल दिए हैं। इसमें डाल रही हूँ हल्दी। तो आप देख सकते हैं छोले हमारे उबल गए एकदम अच्छे से। ये देखिए फट फट गया है सब, मतलब तो बहुत अच्छे से हो गया है। तो गाइस अब इसमें डाल रही हैं तेल कुकर में। चना उबाले ना, साइड साइड वाइट वाइट हो गया है वो है, अरे पाउडर है। तो तेल इन्होंने डाल दिया, अब डाल रही हैं हींग, मेथी का दाना। हम डालेंगे हींग, थोड़ा ज्यादा डालेंगे अच्छा रहेगा। और अब इसको धुल लिया मैंने, ये है तेज पत्ता। अब हम डालेंगे पेस्ट जो आपको हमने बताया था, सारा पेस्ट धुआं निकाल दिया थोड़ा कम 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 कम, ये गिर गई है ना, होने के कारण कुछ बाहर जाएगा कुछ इधर जाएगा। अब चला रही हैं, इसको हम चलाते हैं, देखते हैं। ये देखिए अच्छे से बना रहा है, अभी तेल छोड़ रहा है। बड़ा अच्छा खुशबू आ रहा है, सुबह सुबह 6 बजे 6 बजे ही बेहतरीन खुशबू। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इस पेट में दर्द इनके रहता है तो उसका हम आज तो नहीं, कल भी नहीं, सोमवार को भी नहीं, सोमवार को खाली पेट करना पड़ेगा ना, अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। यहाँ डला हुआ है, यहाँ डला हुआ है, तो इस कारण से गाइस देखो यहाँ पे डला हुआ है, ये हो चुका है। थोड़ा और होने देते हैं, थोड़ा लाल और हो जाएगा, फिर उसके बाद डालेंगे चना को, उसके बाद मैं तैयारी करता हूँ आटे का, चावल के आटे को गूंथने की तैयारी। ये हमने कल ही चाल को रख लिया था। और एक चीज और कि जो चलनी होता है उसमें हमने चाला, तो चलनी में चाला तो उसमें कीड़े दिख रहे थे, क्योंकि ये लगभग बारिश का मौसम है, वैसे 10 दिन में कीड़े पड़ ही जाते हैं। तो हमारा मन नहीं माना, फिर मैंने अपने साड़ी में उसको ऐसे ऐसे, मतलब हम दोनों ने मिलकर
चाला है एकदम एकदम, मतलब बहुत पतला पतला निकला है, कीड़े नहीं मतलब आटा निकला है पता। अब फ्रेश है एकदम, 2-3 बार हमने चाला इसे देखा है, उसके बाद से फिर बना रहे हैं। गाइस अब इसके अंदर 100% प्रूफ है कि ना कीड़ों की मम्मी, ना पापा, ना बच्चे, नाती पोता कोई नहीं आया होगा, क्योंकि हमने इतने पतले साड़ी में इसको किया है। ये देखिए, ओ जल्दी अरे गाइस जल्दी चलाते हैं, लग रहा है, जल्दी करो, लग रहा है, जल्दी करो, लग रहा है, अब नहीं लगेगा। एकदम अच्छे से हो गया, कुछ सेकंड का और करते तो ये लग सारा हो जाए। जाता। और नहीं देखो पर, हाँ नमक मैंने उबालते हुए, मतलब जब मैं उबाल रही थी ना तब भी डाल दिया था मैंने, तो इसलिए कम डालना पड़ेगा स्वाद अनुसार, वरना हो जाएगा हलवा। हलवा नहीं, नमक तेज हो जाएगा। बस ये मुश्किल से ना 5 मिनट खोल रहे, बस सीटी मारना है। नहीं सीटी थोड़ी, अच्छा उबाल गया इतना अच्छे से सीटी क्यों लगाना है। तो गाइस अब पांडे जी बैठ गए हैं आटा को गूथने। कितना वाइट है, कितना वाइट है और कितना पतला, बिल्कुल तो है ये वाइट भी है बिल्कुल, महीन के साथ साथ गुते गुते जल्दी ना। तो आज चावल का आटा गूथना थोड़ा टफ है, भाप यहाँ तक आ रहा है क्योंकि तो ये लसीम नहीं होता है ना, ये चिपका हुआ नहीं होता है, गेहूं के आटे से थोड़ा सा ज्यादा हार्ड हो जाता है। ये भाप आ रहा है उसका। तो गाइस छोला हो चुका है, आप लोग को दिखा देते हैं, अभी धुआं छोड़ रहा है, तेल पूरी के लिए हीट हो रहा है। ये आटा चावल की, चावल के आटे हैं, लोइया बना लिए हैं छोटे छोटे, और इसको चल रही है गुड़िया बेलने के लिए। डर लग रहा है फटे ना, बहुत संभाल के करना पड़ता है इसे, बहुत ही नरम और सॉफ्ट होता है ना, तो इस वजह से आराम आराम से बेलना पड़ेगा। आटा के इन्होंने लोइया बना के इसका पूरी बना लिया है, अब इसको बेल छाने। दिया है, अब बनाएंगे। एक एक करके डालेंगे, अभी धीमा कर दिया मैंने, देखते हैं। हाँ तो ये फूलता है लेकिन मेरा फट गया ना, तो इसलिए तो अब हम डालते हैं इसे। फूल गया ये, चावल के पूरी की तरह नहीं फूलता है, आटे की पूरी की तरह, आटे की पूरी तरह, बट अभी नहीं नहीं फूलता है, ऐसी बात नहीं है, फूलेगा और फूला तो है, कैसा चाहिए अब देखिए। फूला है, अरे गर्म पानी में होता तो और ज्यादा अच्छा फूलता। अब इसमें चावल का ही पूरी चावल आटा रखाया था, ये देखो आप कैसे फूला, एकदम गुम्बाड़ा जैसा फूल गया। तो ऐसे फूल जाया करेगा ये गुम्बाड़े की तरह बिल्कुल, क्या बम्बाड़ा फूला है, बम्बाड़ा दिखाओ सर इसको, फोटो खींचो, अब हमें लेट हो रहा है तो अब हम चलते हैं, जल्दी जल्दी बना लेते हैं, अभी इतना बाकी है, तो मिलते हैं आपसे बाद में।
तो गाइस हमारा पूड़ी हो गया है, यहाँ भी इतना सारा बन गया है। अब जल्दी से जाते हैं तैयार होने, क्योंकि बज गया है, जल्दी से जाते हैं तैयार होने क्योंकि बज गया है 7 और मेरा हालत खराब हो रहा है, पता नहीं पथरी की वजह से कि क्या है।